My name is Ali Kamra and I am here for mathematics of class prep 2. Our chapter is direct and inverse proportion of D2 and we are learning here exercise 1A as a revision. As we discussed in the class, we have covered direct proportion part in exercise 1A. So what is direct proportion? Direct proportion kya hota hai? Direct proportion is the relation between two variables such that if the value of one variable increases, then the other variable value also increases. Yani agar ek cheez ki value badhegi to dusri cheez ki value badhegi. Agar ye relation do cheezon ke darmiyan ho to un dono ke darmiyan direct proportion ka relation hota hai. Ab yahan pe hamare paas what is direct proportion? Direct proportion मैंने आपको बता दिया, इसकी example देख लेते हैं। हमारे पास दो variables हैं, एक है number of books और एक है price, ठीक है? For example, अगर एक book उसकी price है 10 rupees, तीन books कर दें, books की तादाद बढ़ा दें, तो price भी बढ़ जाएगी, 30 rupees हो जाएगी। और बढ़ा दें, तीन books से मैं 6 books कर देता हूँ, number of books increase कर दी, तो आप हमारे पास price भी increase हो जाएगी। यानी अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज 1A में हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 अभी मैं करवा रहा हूँ, पार्ट 2 आप लोग पार्ट 1 आपको समझ में आ जाएगा तो पार्ट 2 आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अगर आपको याद हो और अगर आप उस सामने कोई बैठे हैं तो सवाल ये था कि 108 आइडेंटिकल बुक्स है, वो मास ऑफ 30 केजी, ठीक है? 108 सेम बुक्स हैं, सेम साइज है उनका, और उन 108 बुक्स का मास जो है वो 30 केजी, तो 150 बुक्स का मास क्या होगा ये हमें मालूम करना है, ठीक है? जो भी चीज अननोन है उसको हमने किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस करवा देना है, एक्स रिप्लेस करवा देना है या वाई से रिप्लेस करवा देना है, ठीक? अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनल मेथड होता है हमारे पास और एक यूनिटरी मेथड होता है, ठीक है? यहाँ पे हम जो सवाल मैं सॉल्व करवा रहा हूँ प्रोपोर्शन मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है? और प्रोपोर्शन मेथड में जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात होती है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगी, 108 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय 30, यहां पर 108 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक? और इसको फर्दर रिड्यूस करना है, आप फर्दर इस तरह से रिड्यूस करना है कि दूसरी टेबल से ये रिड्यूस हो रहा है, 25 सर 10, 24 सर 8, 215 सर 30, फिर ये दूसरी टेबल से जा रहा है 150 के साथ, 22 सर 4, 27 सर 14, 27 सर 14, 25 सर 10, फिर ये 3 के टेबल से आप निकाल सकते हैं इसको, 39 सर 27, 35 सर 15, 33s are 9, 32s are 6, 35s are 15, ठीक है? अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको न्यूमरेटर में देखिए, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 से तो ये बन जाएगा 125 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 3। ये क्या ये चीज क्या थी? ये थी मास, ठीक है? हमें मालूम करना था 150 नंबर ऑफ बुक्स का मास, तो हमारे पास ये मास आ गया इन फ्रैक्शन, ठीक है? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तरीकेकार क्या है, 125 डिवाइड करवा दें 3 से, सही है? तो 3 4 जा 12, 5 बचा, 3 1 जा 3, हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा वो आएगा 41 होल नंबर 2 अपॉन 3, और ये मालूम क्या करना था, मास मालूम करना था जिसका यूनिट है केजी, तो आप इसको यूनिट लिख देंगे, तो इसका मतलब है कि 150 बुक्स का जो मास है वो कितना होगा, 41 होल नंबर 2 अपॉन 3 केजी। इससे रिलेटेड जितने भी इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसी सवाल का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2
फाइव का पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, ये एज असाइनमेंट आप लोगों को घर पे करना होगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट में देखें इफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर आपके पास वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, मैंने आपको बताया था इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखेंगे, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल और एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो इज इक्वल्स टू और एक अगर कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहते हैं के, ठीक है, और ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, के की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी एज वी डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है, सवाल में आपसे बोल रहे हैं कि इफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एट वाई। अब मुझे मालूम करनी है इक्वेशन जो कि एक्स और वाई को कनेक्ट कर रही है, ये इक्वेशन नहीं होगी, इसमें आप के की वैल्यू जब पुट करवाएंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो के की वैल्यू पुट करवाने के लिए सवाल में अगली इंफॉर्मेशन गिवन है कि वाई की वैल्यू है 20 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आपको मिल गई हैं, ये दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करके के की वैल्यू निकालेंगे, 20 इज इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू 5, फाइव यहाँ पे मल्टी में आ रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको रिड्यूस करना है तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। ये k की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि x और y को कनेक्ट कर रही है दूसरे के साथ, ठीक है। देन पार्ट टू, अब पार्ट टू में आपसे सवाल में ये बोल रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y against x, y और x का ग्राफ बनाएं। ये ग्राफ वाला सवाल, ये ग्राफ वाला पार्ट उस वक्त तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आपको इक्वेशन पता हो। यहाँ पे हमने इक्वेशन पता कर ली, अब हम चलते हैं ग्राफ पे। अब ग्राफ के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कि हम लोगों ने क्लास में किया था कि हमारे पास ग्राफ की लाइन स्टार्ट होती थी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के साथ। ये नेसेसरी कंडीशन होती है दो वेरिएबल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की। अगर आपका ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है दोनों वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक। चलते हैं ग्राफ बनाने की तरफ। इक्वेशन आपके सामने मौजूद है y = 4x, ठीक है, रफ वर्ड में आ जाते हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, ये जस्ट मैं चेक कर रहा हूं कि हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हम x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करते हैं, y = 4x, इसमें मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो आपके पास y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी at x = 0 y = 0, at x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, x वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू 0 होगी। ये पॉइंट आप कहां पर प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट है ओरिजिन का कि जिस पर y और x दोनों की वैल्यू 0 होगी, ठीक। उसके बाद हम एक और पॉइंट पुट करते हैं, ये हम अपनी मर्जी से पॉइंट पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ सिंपल रखना है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू यहां पर 0 के बाद 1 पुट करते हैं। इक्वेशन आपके पास है y = 4x, ठीक, x की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, यानी at x is equal to 1 x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। ये पॉइंट भी आप पुट कर देना, आपको x की वैल्यू 1 आपको कहां पर मिलेगी, ये 0 के बाद 1, और y की वैल्यू 4 कहां पे मिलेगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 जहां मिल रही है, दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे होंगे यहां पर कहीं आपको पॉइंट मिल रहा होगा, और दूसरा पॉइंट हमारे पास x = 0 और y = 0, ये पॉइंट आपको कहीं यहां पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करवा देंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करवा देंगे और ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा ऑफ y अगेंस्ट x, ठीक है। इससे रिलेटेड जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 9, AD और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
कुछ सवाल में ग्राफ होंगे, कुछ सवालों में सिर्फ ये काम होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज बन गई, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये दो सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो कि आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।